बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक राजेश जून का कहना है कि उन्होंने बहादुरगढ़ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। भाजपा से मंत्री बनने की उनकी कोई भी डील नहीं हुई है। हालांकि उनका कहना यह भी है कि उन्होंने भाजपा को सिर्फ समर्थन दिया है, वे भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। विधायक राजेश जून बहादुरगढ़ स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ की सड़कें टूटी हुई हैं, जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है, गंदगी पसरी रहती है। इतना ही नहीं, आम लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इसलिए समर्थन दिया है कि वह बहादुरगढ़ हल्के का बेहतर ढंग से विकास करवा सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम सड़कों की है, सरकारी अस्पताल की है, शहर में सरकारी स्कूलों की है, सफाई की है, गंदे पानी की निकासी की है, बरसाती पानी की निकासी की है, पीने के पानी की पाइपलाइन के सिस्टम ठीक नहीं, सीवरेज का बहुत बहुत बुरा हाल है, बहुत समस्या है, उनको दुरुस्त कराएंगे। मैं तो जनता का हूँ, जनता ने मुझे चुना है और कांग्रेस की नीतियाँ मुझे बिल्कुल गलत लगी, भाजपा की नीतियाँ मुझे अच्छी लगी और अपने हलके का विकास करवाना है। इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना समर्थन भाजपा सरकार को दिया है और भाजपा सरकार के सामने मैंने अपनी यही बात रखी है कि जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस हलके में भी काम करवाएंगे उतना विकास उतना काम मेरे बहादुरगढ़ में भी कृपा करके करवाएं। और इस बात की 100% हाँ करी गई है भाजपा सरकार की तरफ से कि भाई जो भी जिस भी हलके में ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा हरियाणा में उतना काम आपके हलके में भी करवाया जाएगा, जो भी आप काम बताएंगे सारे कामों पर ध्यान दिया जाएगा, करवाया जाएगा। मंत्री पद को लेकर कोई बातचीत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पद के लिए कोई बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में भविष्य में शामिल होने का विचार है? भविष्य की कौन बताएगा साहब, भविष्य की कोई बता सकता है? अब भविष्य तो कहाँ, यार 7 तारीख को सब कह रहे थे कहाँ से राजेश जून कहाँ से जीतेगा, अब देखो भविष्य एक तरफा सारा इलेक्शन। प्राथमिकता बता दीजिए, क्या प्राथमिकता है बहादुरगढ़? सिर्फ और सिर्फ बहादुरगढ़ का विकास। उन्होंने बताया कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने भी उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि उनके हलके का सही विकास होगा। राजेश जून का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली भी देखी है और अब वह भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम कराने का ढंग उन्हें अच्छा लगा, अब वे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।